पे तो मलबा हटाने का काम वार्ड लेवल पे चला है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर है, फायर ब्रिगेड के लोग है, बीएमसी के पुलिस है और लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग वहाँ पर है, क्योंकि जगह बहुत छोटी है। वहाँ अंदर आने जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं जा सकती आ सकती, एक एक ईंट है, एक एक चीज है, वो हाथ से बाहर लानी पड़ रही है। और अभी तक 8 लोगों को वहाँ से निकाला गया, उसमें से 5 लोग उनकी तबीयत अभी ठीक है जिस हॉस्पिटल में, 2 लोगों की डेथ हो गई है लगता है, और 1-2 लोगों को ले जाया गया, उसमें पता चलेगा और उनकी तबीयत कैसी क्या। मैं भी यहाँ से सिर्फ सीधा जेजे हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलेगा। ये मेडिकल मिनिस्टर हैं, दूसरे भी मंत्री हैं, सीधा हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ राधा कृष्ण विखे पाटिल जो कि गृह निर्माण मंत्री हैं महाराष्ट्र के। सर ये बताइए आप देख क्या क्या सिचुएशन है अभी? सिचुएशन तो बहुत गंभीर है, काफी लोगों अभी फंसे हैं डेब्रिज के नीचे। फायर ब्रिगेड कॉर्पोरेशन इंडिया के लोग काफी मात्रा में वहाँ काम चल रहा है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जा रहे बचे। कितने लोग घायल और कितने की डेथ हुई है सर? अभी तो फिगर आ रही सामने में, अभी जेजे हॉस्पिटल के दो डेथ हुई है अभी तक और 5 लोग एडमिट है और भी रिपोर्टिंग। सर एक सवाल ये जानना चाहेंगे, ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी है तो ये जर्जर बिल्डिंग के लिस्ट में क्यों नहीं थी? आप गृह निर्माण मंत्री है राज्य के सर। देखिए ये बिल्डिंग म्हाडा की या कॉर्पोरेशन के लिस्ट में नहीं थी इसलिए क्योंकि वो अनऑथराइज स्ट्रक्चर था। जो अथॉराइज स्ट्रक्चर है उसकी पूरी नोंद हमारे में है, लेकिन इलीगल स्ट्रक्चर था, लेकिन उसका निश्चित रूप में हम जायजा कर रहे हैं।